तो दोस्तों, आज की मूवी में जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये एक बेहद अंडररेटेड स्लैशर मूवी है। मूवी में आने वाले सीन इतने डिस्टर्बिंग है कि ये किसी भी लाइट हार्टेड पर्सन को आराम से परेशान कर सकते हैं। ऊपर से मूवी की स्टोरी लाइन्स भी एकदम फैंटास्टिक है। मूवी में इतने जंप स्केयर्स हैं कि आप अपनी सीट पे बैठे हुए कितने बार डर जाएंगे ये आपको भी नहीं पता। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द मूवी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक अनबॉर्न चाइल्ड को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपनी माँ के पेट में है, और तभी कोई ये कहते हुए सुनाई देता है कि वो इस बच्चे के लिए बहुत खुश है, और तभी इस बच्चे को एक झटका लगता है और हमें जूम आउट करके दिखाया जाता है कि दो कार का आपस में एक्सीडेंट हुआ था, और एक कार में एक प्रेग्नेंट लेडी सारा और उसका हस्बैंड था जो कि मर जाता है। सारा भी बहुत इंजर होती है, लेकिन वो और उसका बच्चा किसी तरीके से बच जाता है। और फिर हमें सीधे 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें सारा को दिखाया जाता है जो कि अपना चेकअप करा रही थी। डॉक्टर चेकअप के बाद सारा को बताता है कि उसका बच्चा बिल्कुल सही है और नेक्स्ट डे यानी कल उसकी डिलीवरी की पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि कल क्रिसमस होने की वजह से एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होगी, इसीलिए उसे किसी तरह अपने साथ किसी को लाना होगा। फिर हम ये नोटिस करते हैं कि अपनी हस्बैंड की डेथ के बाद सारा एकदम अकेली हो गई थी और कहीं ना कहीं वो काफ़ी डिप्रेस भी थी। फिर हॉस्पिटल से जाते वक्त सारा अपनी एक फ्रेंड से मिलती है जो उसे अपने घर रुकने को बोलती है, लेकिन सारा उससे एकदम मना कर देती है। प्रोफेशन से सारा एक जर्नलिस्ट थी और अपनी प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी वो काम कर रही थी क्योंकि वो अपने को बिजी रखना चाहती थी। उसकी फ्रेंड उसे रेस्ट करने के लिए तो कहती है, पर सारा उसे मना कर देती है। फिर सारा पार्क में अपने एम्प्लॉयर का वेट करती है, तभी वो वहाँ एक कपल को देखती है जो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, और सारा इनकी कई फोटो अपने कैमरा में क्लिक कर लेती है। तभी थोड़ी देर में सारा का एम्प्लॉयर जीन भी वहाँ आ जाता है। सारा जीन को अगले दिन हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है और अपने घर की डुप्लीकेट की भी उसे दे देती है। फिर सारा टैक्सी लेके अपने घर में चली जाती है जो कि काफ़ी सुनसान इलाके में था। फिर सारा शाम को अपने रूम में बैठ के अपने होने वाले बच्चे के लिए कपड़े सिल रही थी, और ऐसा करते करते उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसका बच्चा उसके मुंह से निकल जाता है, और ये सच में बहुत ही क्रीपी सीन था, और ये सपना देख के सारा बहुत डर जाती है। तभी सारा की डोरबेल रिंग होती है और सारा थर्ड आई से बाहर देखने की कोशिश करती है, पर उसे कोई नहीं दिखता, और वो अंदर से पूछती है कि बाहर कौन है। तभी बाहर से एक लेडी आंसर देती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसका फ़ोन भी डेड हो गया है, इसलिए उसे कॉल करने के लिए सारा का फ़ोन चाहिए। लेकिन सारा उसे मना कर देती है और कहती है कि उसका हस्बैंड अंदर सो रहा है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अभी वो लेडी सारा को उसके नाम से बुलाती है और कहती है कि उसे पता है कि उसका हस्बैंड 4 महीने पहले मर चुका है, और ये सुनते ही सारा के होश उड़ जाते हैं और वो पूरे घर की खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। तभी सारा को अपनी ग्लास विंडो की दूसरी तरफ वही लेडी दिखती है और वो ग्लास में हाथ मार के उसे तोड़ने की कोशिश करती है। तभी सारा डर के पुलिस को कॉल करके सब बता देती है, और सारा अपने कैमरे से उसकी फोटो लेने लगती है, और कुछ टाइम बाद वो लेडी वहाँ से चले जाती है। तभी सारा अंदर जाके फोटो डेवलप करती है, लेकिन उसे उस लेडी की फोटो साफ नहीं दिख रही थी। फिर सारा पार्क में ली उसी कपल की फोटो देखती है और उसमें भी वो उसी लेडी को नोटिस करती है, जिससे साफ हो गया था कि वो लेडी बहुत टाइम से सारा का पीछा कर रही थी। फिर थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है और उसके घर के आसपास चेक करती है, पर वो लेडी उन्हें कहीं नहीं मिलती। फिर पुलिस सारा को ये भरोसा दिला के वहाँ से चले जाती है कि वो लोग रात को उसके घर के आसपास पेट्रोलिंग करते रहेंगे। पुलिस के जाने के बाद सारा जीन को कॉल करके उसे उस लेडी के बारे में बताती है, और हम बैकग्राउंड में उसी लेडी को देख सकते हैं, मतलब वो अभी भी यहीं थी। फिर सारा अपने कमरे में जाके सो जाती है और वो लेडी सारा के घर में एक सीज़र और अल्कोहल लेके आती है, और सारा के बेडरूम में घुस के उसके पेट में वो कैंची घुसाने लगती है।
जिससे सारा की नींद खुल जाती है और वो लेडी सारा के मुंह में भी सीजर से मार देती है। लेकिन तभी सारा उस लेडी के सर में लैम मार देती है और खुद को जाके बाथरूम में बंद कर देती है। वो लेडी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में दरवाज़ा पटकने लगती है। तभी जीन भी सारा के घर में आ जाता है और तभी वो लेडी जीन के सामने आती है, जिसे जीन सारा की मदर समझने लगता है और उससे सारा के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो कहती है कि सारा अभी सोई हुई है। फिर वो जीन के लिए ड्रिंक लेने जाती है। तभी जीन सारा की खींची हुई फोटोग्राफ देखता है जिसमें उसी लेडी की धुंधली फोटो दिख रही थी। लेकिन तभी सारा की रियल मदर वहां आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि वो दोनों कौन हैं और वहां क्या कर रहे हैं। इसके बाद सारा की मदर सारा को ढूंढने के लिए ऊपर चली जाती है, पर नीचे जीन को उस लेडी की सच्चाई पता लग जाती है कि उसने ही सारा के घर में घुसने की कोशिश की थी। वहाँ बाथरूम में सारा एक स्टिक लेके उस लेडी को मारने का सोचती है और तभी उसकी मदर बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगती है, पर सारा इससे अनजान थी और वो अपनी मदर को ही वो लेडी समझ के स्टिक से स्टैप करके मार देती है। तभी जीन ऊपर आने लगता है, लेकिन वो लेडी जीन के पैर में कई बार स्टैप करके उसे इंजर कर देती है। इसके बाद वो उसको घसीट के बेडरूम में लाती है और उसके मुंह पे पिलो रख के कई बार उसके मुंह के ऊपर स्टैप करके उसे मार देती है। वहीं जैसे ही सारा बाथरूम से बाहर आने की कोशिश करती है, वो लेडी सारा पे अटैक कर देती है। सारा बाथरूम के अंदर जाती है और वो लेडी सारा के बाल पकड़ लेती है, जिस पे सारा उस लेडी के हाथ में स्टिक घुसा देती है और उससे छूटते ही सारा बाथरूम लॉक कर देती है। बाहर वो लेडी को सारा की बिल्ली मिलती है और वो उसे भी मार देती है। तभी सारा के घर के बाहर पुलिस पेट्रोल कार आती है, जिसमें 3 पुलिस वाले और एक क्रिमिनल होता है, जिसे वो अरेस्ट करके ले जा रहे थे। तभी 2 पुलिस वाले सारा के घर में चेक करने जाते हैं और डोर खटखटाने लगते हैं। तभी वही लेडी बाथरूम के डोर में एक टेबल फंसा के और एक स्टिक लेके डोर खोलने आती है और वो उन पुलिस वालों को खुद को सारा बताती है और कहती है कि यहाँ सब नॉर्मल है। ये सुन के पुलिस वाले वहां से जाने लगते हैं और वहीं बाथरूम में सारा दरवाजे में छेद करके डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वो लेडी आके सारा के हाथ में सीजर घुसा के उसे दीवार से लगा देती है। तभी पुलिस वालों को सारा के प्रेग्नेंट होने की बात ध्यान में आती है और वो ये रियलाइज करते हैं कि वो लेडी जिसने डोर खुला था वो तो प्रेग्नेंट नहीं थी, और वो ये सोच के घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके उस लेडी को पकड़ लेते हैं और दूसरा पुलिस ऑफिसर जाके सारा को हेल्प करने लगता है। तभी वो लेडी उस पुलिस ऑफिसर को स्टिक घुसा के मार देती है और ऊपर आके दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी गन से शूट कर देती है। बाहर कार में बैठे पुलिस ऑफिसर को गन की आवाज़ आती है और वो उस क्रिमिनल को लेके घर के अंदर आ जाता है और उसे वहाँ सारा खून में लथपथ मिलती है। वो उस लेडी को वहाँ ढूंढता है पर वो विंडो से भाग के चली गई थी। तभी पुलिस ऑफिसर सारा को बैंडेज करता है और तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर पुलिस ऑफिसर सारा को एक गन देके बेडरूम में जाने के लिए कहता है और उस क्रिमिनल को भी सेफ्टी के लिए रेड गन देता है और वो उस लेडी को वहाँ ढूंढने लग जाता है। वो नीचे रूम में पहुँचता है जहाँ बहुत अंधेरा था। तभी वो लेडी उस क्रिमिनल के हाथ से रेड गन लेके पुलिस ऑफिसर पर फायर कर देती है, जिससे वो पूरी तरीके से इंजर हो जाता है। फिर वो उस क्रिमिनल को भी सीजर से मार देती है। वहीं सारा अपने बेडरूम में काफ़ी ब्लड लॉस होने के कारण अधमरी हो गई थी। तभी वो लेडी आके सारा को मुंह से ऑक्सीजन देती है और सारा उसका हॉट काट लेती है और वहां से भाग जाती है। वो लेडी भी उसके पीछा करती है। सारा उस लेडी से कहती है कि अगर वो आगे बढ़ी तो अपने बच्चे को मार देगी, पर वो लेडी सारा के सर में मार के उसे बेहोश कर देती है और वो सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाती है। जैसे ही वो लाइटर चलाती है, सारा उस पे वहाँ पड़ा हुआ एक स्प्रे मार देती है, जिस वजह से उस लेडी का मुंह बुरी तरीके से जल जाता है और उसके बाद सारा खुद को भी मारने के लिए एक स्टिक गले में घुसाने लगती है, पर उसके अंदर एकदम बदले की भावना आ जाती है और उस लेडी को मारने के लिए चली जाती है, पर वो लेडी वहाँ से भाग गई थी। सारा इंजर्ड पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगने जाती है, पर वो पुलिस ऑफिसर सारा को वो किलर लेडी समझ के उसके पेट में एक रॉड मार देता है, जिससे सारा का वाटर ब्रेक हो जाता है। तभी वो किलर लेडी आके उस पुलिस ऑफिसर के पेट में रॉड घुसा देती है और उसे मार देती है। फिर वो सारा के पास आके असली सच्चाई बताती है और यहाँ पूरा मूवी का प्लॉट खुलता है। एक्चुअली में 4 महीने पहले जब सारा और उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तब जो दूसरी कार थी उसमें यही किलर लेडी थी और वो भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन बदकिस्मती से उस एक्सीडेंट में
उस एक्सीडेंट में वो तो बच गई पर उसका बच्चा नहीं बच पाया। और मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमने जो अनबॉर्न बच्चा देखा था वो सारा का नहीं बल्कि इसी लेडी का था, और इसलिए वो सारा से बदला और उसका बच्चा लेना चाहती थी। इसके बाद वो सीजर से सीधे सारा का पेट काट के उसका बच्चा बाहर निकाल लेती है और सारा वहीं मर जाती है। फिर वो लेडी चेयर पर बैठ के उस बच्चे को लेके प्यार करने लगती है और फाइनली मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड मूवी का प्लॉट एकदम लास्ट में पलट जाता है, जहां हम शुरू से ही उस दूसरी कार पे ध्यान नहीं देते वहीं डायरेक्टर ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पीरो के हमें दिखाया गया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।